पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और साथ ही नारे लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही मांग की है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा मुरादाबाद महानगर के अंदर और उदयपुर की घटना को लेकर, जो कि हिंदू समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, हिंदू समाज के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी जिहादी मानसिकता को अंजाम देने के बाद जिहादी लोग अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं देश को कि आज हम लोग कितनी तैयारी में हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर ज्ञापन के कार्यक्रम करे हैं, अपनी मांग करी है कि ऐसी मानसिकताओं को शीघ्र अतिशीघ्र कुचल दिया जाए, ताकि भविष्य में भारत के साथ, भारत की अखंडता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता ना हो। भारत के अंदर ये मानसिकता अगर पनप रही है तो उसका कारण क्या है? हमारी मांग है कि ऐसी जिहादी मानसिकता करने वालों को, जो ऐसी जिहादी मानसिकता जन्म ले रही है, वो पाकिस्तान के कारण है, जिसकी जांच NIA ने करी है, उसमें साबित भी हुआ है। तो हमारा ये निवेदन है कि ऐसी मानसिकता रखने वालों के साथ सरकार सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई करे, 20 सड़क पर गोली मार दे, ताकि भविष्य के अंदर कोई इस प्रकार का कृत्य करने का सोचे भी ना। कन्हैया कुमार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, उसके परिवार में सरकारी नौकरी मिले और भारत की सरकार, प्रदेशों की सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, ये हमारी मांग है। उदयपुर में जो कन्हैया लाल जो वो है, उसको किस प्रकार से नृशंस हत्या की गई है, एक संदेश दिया है पूरे भारत को कि क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से हम इसका बदला ले सकते हैं। उसका केवल दोष क्या था? वो नूपुर शर्मा का समर्थक है। समर्थन करने पर इतना बड़ा हत्याकांड कर सकते हैं जिससे सारे समाज में भय व्याप्त हो जाए। दोपहर 12 बजे का ये किस्सा है, तो इससे क्या संदेश जाता है कि कोई भी भारतवर्ष में रहकर अपने दायित्वों का निर्वाह करने में स्वतंत्र नहीं है, उसको किसी भी मानसिकता से उसको दबाया काटा जा सकता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को तुरंत फांसी की व्यवस्था की जाए, जो भी कानून के अंतर्गत उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, जो 1 करोड़ की मांग है हमारी, और उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उसका परिवार आगे वो हो सके, और जो भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।